मेरे भाइयों और बहनें, हम जानते हैं कि आज बाहर की दुनिया में तो ये हकीकत है, आम तौर पर मुसलमान दीनी तौर पर जाहिल है। आम तौर पर मुसलमानों के पास दीनी इल्म नहीं है और लोग इसे कोई ऐब भी नहीं समझते हैं, लोग इसे कोई डिफेक्ट नहीं समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स के पास दुनियावी तौर पर खाने पीने के भी पैसे नहीं है, तो कम से कम उसके अंदर ये एहसास तो होगा मेरे पास पैसे नहीं है, और वो ये महसूस करेगा कि दुनिया के अंदर अपने और अपने घर बार की जिम्मेदारी पूरी करना, उनके लिए खाने पीने के सामान जमा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दुनियावी तौर पर लोगों के अंदर एक ही बात का एहसास होता है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनें याद रखें कि अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करना ये एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है। इसी वजह से पहली वही कहाँ से शुरू हुई? इकरा से शुरू हुई। अल्लाह ताला ने पहली वही में ही इल्म की अहमियत बताई। हालांकि पहली वही में हम देखते हैं कि बहुत कुछ आ सकता था, नमाज पढ़ने कहा जा सकता था, रोजा रखने कहा जा सकता था। पहली वही में वो तमाम चीजों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि अगर कोई शख्स इल्म हासिल करता है तो वो जहालत से बचता है, और जब वो जहालत से बचता है तो उसके लिए सही अकीदा जानना, सही इल्म पर चलना आसान हो जाता है। तो मेरे भाइयों बहनें, हम ये देखते हैं कि ये है बुनियादी तौर पर इल्म की अहमियत, कि सबसे पहली वही वहां से शुरू हो रही है। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ